वन का रिजल्ट आप लोगों ने जारी किया जी। और रेलवे का दावा है कि जैसा कि जो नोटिफिकेशन में था कि 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा अगले राउंड के लिए, तो उनको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं 20 गुना कैंडिडेट लेने की बजाय 20 गुना रेल दो नंबरों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो उम्मीदवार क्वालिफाइड हैं उनके रोल नंबर एक से ज्यादा बार काउंट किए गए, तो ये जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि रेलवे दावा कर रही 20 गुना और वो कह रहे हैं नहीं सर 20 गुना नहीं है, क्या कहेंगे सर? जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 35,281 पोस्ट थे या वैकेंसियां थी और हम लोगों ने सर इसमें जो बेसिक सवाल है सर इसी का सप्लीमेंट्री है कि अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें, जैसा रेलवे कह रही है कि हमने जो सेलेक्ट किए हैं वो 7,05,446, तो इसमें रिपीट भी हैं लोग यानी जी, तो अगर हम नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो कितने लोग हैं इसमें? ये सवाल बार बार उठ रहा है नंबर ऑफ पर्सन की। अगर हम बात करें सिद्धार्थ, मैंने इस डेटा को आज कलेक्ट करने की कोशिश की है सारे RRB से और मेरे पास जो डेटा है उसके अनुसार अगर यूनिक रोल नंबर की बात करें, एक रोल नंबर चार जगह नहीं रिपीट हो, एक ही जगह रिपीट हो, तो ऐसे 3.84 लाख कैंडिडेट्स हैं जो यूनिक रोल नंबर के हैं, अर्थात कि मतलब रिपीट हुए हैं लेकिन 3.84 कैंडिडेट्स अलग मतलब डिफरेंट हैं। तो इस हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो हमारी जो रिक्ति है 35,000 और यूनिक कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हैं 3.84 लाख, तो ये जो है 10 गुना 11 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही है। और फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज एनीथिंग मोर देन 10 टाइम्स इज गुड एनफ। सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर हम एक और बात कहें, जो एक सवाल और उठाया जा रहा है कि CBT 2 सिलेक्शन, अब इसके बाद CBT 2 होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा अगला लेवल, तो उसमें एक अभ्यर्थी को अगर वो 4 और 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया और ऐसे व्यक्ति को एक अगर 4 या 5 पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो रेलवे किसे पोस्टिंग देगा? आदमी एक ही है 5-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, उसने क्वालिफाई कर लिया, तो सवाल ये उठ रहा है उठा रहे हैं कि फिर किसको मिलेगी नौकरी? मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप थर्ड स्लाइड दिखा सकें इसके एक बाद के बाद वाला स्लाइड, बस इसमें सिद्धार्थ नोटिफिकेशन के पारा 1.1 में ये बड़ा क्लियरली मेंशनड है कि एक बार अभ्यर्थी अपने मेरिट और चॉइस के अनुसार इम्पैनल हो जाता है या चुन लिया जाता है एक पद पे, तो ऐसे कैंडिडेट अपने राइट को फोरफिट कर देंगे कि किसी और पोस्ट के लिए कंसिडर उनको किया जा सके। जब हम लोग फाइनल पैनल बनाने लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है, तो उसमें हम लोग उनसे फाइनल चॉइस ले लेंगे और हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जैसे सबसे पहले 6 लेवल से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट लेवल, उसमें लोगों को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब 5 में हम लोग हाथ लगाएंगे लेवल 5 में, तो ये 6 लेवल में जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, 5 में जब सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 4 में मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से किसी भी हाल में एक कैंडिडेट को केवल एक पद पे सेलेक्ट किया जाएगा, भले ही वो अभी इस स्टेज में CBT 2 लेवल पे एक से ज़्यादा पदों के लिए वो क्वालिफाई कर गया हो या शॉर्टलिस्ट।